जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोयाबीन सहित सभी खाद्य तेलों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। दरअसल शिकागो एक्सचेंज की गिरावट की वजह से सोयाबीन के भाव प्रभावित हुए हैं और इसका असर बाकी तेल तिलों की कीमतों पर भी दिखाई दिया है। वहीं आज वायदा में सोयाबीन 4% से ज्यादा लुढ़क चुका है। सोयाबीन के तेल रहित खल DOC की निर्यात की मांग काफी कम है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान इसका पर्याप्त मात्रा में निर्यात हो रहा था। DOC की मांग कमजोर होने से सोयाबीन दाना और लूज तथा सोयाबीन तेल कीमतों में गिरावट आई है। सोयाबीन की आवक बाजार में काफी कम देखने को मिली है। देश भर की मंडियों में सोयाबीन की आवक की बात करें तो लगभग 3.5 लाख बोरी से भी कम की आवक दर्ज की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार CPO और पामोलिन तेल के आयातकों को भी भारी नुकसान हुआ है, जिन्हें आयात से काफी कम भाव पर बाजार में अपना माल बेचना पड़ता है। ये आयातक रोज की मंदी और तेजी से काफी परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ महंगाई के आंकड़े सरकार को परेशान कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि दलहन और तिलहन की कीमतें काबू में रहे, इसके चलते सरकार ने ये कदम उठाया और 7 कमोडिटीज के वायदा कारोबार पर रोक लगा दी। अब माना ये जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से वायदा बाजार का संतुलन कमजोर होगा और कीमतों पर दबाव दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लेस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।